वेलकम टू बैक अगेन गाइज, मैं तरुण राजपूत ऑल इन वन मूवी रिव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, इस शुक्रवार रिलीज हुई मूवी खिचड़ी 2, तो उसी मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ आप तक कि कैसी है खिचड़ी 2, कि आप लोगों को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं गाइज। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे घर में एक सीरियल आता था खिचड़ी। तो खिचड़ी में दोस्तों हंसा का कैरेक्टर, प्रफुल्ल, बाबूजी, हिमांशु और ना जाने ऐसे कितने करैक्टर थे जो हमें हंसा हंसा कर लोटपोट करते थे। अगर आप लोगों ने खिचड़ी वो नाटक देखा है तो आपके लिए मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है। और उसके बाद इन्होंने एक मूवी बनाई खिचड़ी वन बनाई, जिसमें काफ़ी कॉमेडी थी और हंसी मजाक थी। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ी अब की जो ऑडियंस है, जिन लोगों ने वो खिचड़ी पहली और खिचड़ी सीरियल नहीं देखे, उनको कहीं ना कहीं ये मूवी थोड़ी ओवर एक्टिंग की दुकान लगेगी। मैं आपको सच में बताऊं तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले कि स्टोरी लाइन क्या है। सो गाइस, एक पाकिस्तान का पाकिस्तान है, और जहां का राजा है प्रफुल्ल, और उसका डुप्लीकेट है इंडिया में। और उस राजे ने दोस्तों इंडिया के एक साइंटिस्ट को किडनैप किया हुआ है, और वो कैसे प्रफुल्ल को उधर का राजा बनाते हैं, उसको साइंटिस्ट को वापस लाना है। तो यही सब चीज़ में कहानी दर्शाई गई है, जिसे देखने में आपको बेहद मज़ा आएगा। इंटरवल से पहले आपको बहुत हंसी आने वाली है। जो डायलॉग डिलीवरी है सब बढ़िया है, सब हंसी मजाक, आप हंस हंसी। एक सीन आता है गाइस, मैं आपको बताऊँ, एक सीन आता है एरोप्लेन का, जो उसमें दोस्तों आपको इतनी हंसी आएगी जिसे देख कर आप लोटपोट होने वाले हो। एंड गाइज, मैं सच में कहूँ तो इंटरवल से पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं इंटरवल के बाद स्टोरी थोड़ी डीप लेती है, थोड़ी बोरिंग करती है। बट फिर बाद में किसी ना कहीं एक कैमियो आता है फराह खान का, जो कि बेहद बकवास लगता है। उनको दोस्तों एक्टिंग में हाथ तो आजमाना ही नहीं चाहिए, ओवर एक्टिंग की दुकान सबसे बड़ी फराह खान है, मैं तो ये कहूँगा। एंड गाइज, कहीं ना कहीं बाकी अगर हम बात करें इस मूवी को क्यों देखना चाहिए, तो गाइज मैं तो यही कहने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने खिचड़ी 1 देखी है तो ही जाना, अदरवाइज़ आप अपना सर पकड़ के बाहर आओगे और सर माथे को मारोगे दीवार पर। तो गाइस, मैं आपको ये कहूँ कि आप अपना दिमाग घर पर रख कर जाना ये मूवी खास कर देखने जा रहे हो तो। बट फिर भी दोस्तों मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि मूवी 1 टाइम वॉच है, आप फुल फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट कर सकते हो इस मूवी को, आप निराश बिल्कुल नहीं होगे। फुल फैमिली मसाला मूवी है, बढ़िया है और कॉमेडी से लथपथ है यार। और अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो रेटिंग दोस्तों मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। और आप अपना टिक बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।